गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन, ये आपकी साइंस की बुक है जिसका नाम है साइंस इज स्पार्क्स। अपना साइंस का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे और हमारे लेसन का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग्स मीन्स होता है सजीव, यानी जिसमें जान होता है, एंड नॉन लिविंग मीन्स जिसमें जान नहीं होता है, यानी निर्जीव। सजीव और निर्जीव वस्तुएं या चीज़ें। अब हम अपने चैप्टर पे आएंगे। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, मार्क केटी अंडर द थिंग्स दैट यू कैन फाइंड इन योर नेबरहुड। नीचे दिए गए चित्रों को देखें और उन पे टिक करें या चिन्ह लगाएं जो आप अपने आसपास में देखते हैं। तो बच्चों नीचे देखिए, ये क्या है, ट्री है ना, तो ये आप अपने अगल बगल में देखते हो तो आप इस पे टिक करेंगे ऐसे। और नेक्स्ट है, आपको क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ये हाउस है, आप अपने अगल बगल में हाउस भी देखते हो तो आप इस पे टिक करोगे। और ये क्या है, आप देखिए इसको, ये डॉग है जो कि आप लोग अपने अगल बगल में देखते हो, इस पे भी आप टिक करोगे। और ये बस है, ये आपके अगल बगल में तो डेली दिखाई नहीं देती है तो आप इस पे टिक नहीं करोगे। और ये लायन है, और लायन कहाँ रहता है, कहाँ रहता है, जंगल में, तो आप इस पे टिक नहीं करोगे। अब नेक्स्ट है कैट, कैट भी आपके अगल बगल में दिखाई देती है तो आप इस पे टिक करोगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। द थिंग्स दैट वी सी अराउंड अस और आइदर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स और डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज। मतलब जो चीज़ें हम अपने आसपास यानी अगल बगल देखते हैं, या तो वो जीवित रहती हैं या निर्जीव रहती हैं। सजीव चीज़ें जो होती हैं निर्जीव चीज़ों से कई तरह से डिफरेंट रहती हैं, यानी कि कई तरह से अलग रहती हैं। सी द पिक्चर्स बिलो टू फाइंड आउट व्हाट लिविंग थिंग्स डू। जीवित चीज़ें क्या करती हैं, यानी जो सजीव चीज़ें रहती हैं जिसमें जान रहता है, वो क्या क्या करती हैं, ये जानने के लिए नीचे दिए गए तस्वीरों को हम ये देखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो क्या क्या करती हैं। ये देखिए, ग्रो, ब्रीद, मूव, ईट, फील, रिप्रोड्यूस, यानी कि जो सजीव चीज़ें रहती हैं, ग्रो करती हैं, ब्रीथ करती हैं यानी सांस लेती हैं, मूव करती हैं हिलती डुलती हैं, ईट यानी उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, फील मतलब महसूस करती हैं, रिप्रोड्यूस यानी प्रजनन करती हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, सभी पेड़ पौधे और जानवर लिविंग थिंग्स यानी सजीव चीज़ें हैं, यानी जीवित चीज़ें हैं। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ, मूव, ईट, फील, रिप्रोड्यूस एंड ग्रो। और जो निर्जीव चीज, सभी निर्जीव चीज़ें होते हैं, वो न तो सांस लेते हैं, न हिलते डुलते हैं, और न ही उन्हें खाने की ज़रूरत होती है, और ना ही वो फील करते हैं, और न ही वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि प्रजनन भी नहीं करते हैं। जैसे चेयर, बॉल, पेपर एंड पेन और सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स। चेयर, बॉल, पेपर एंड पेन, ये सब कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं यानी निर्जीव चीज़ें हैं। अब यहाँ पे क्विक टेस्ट है जो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से
आप अपनी बुक में राइट करोगे। तो राइट द नेम्स ऑफ एनी टू लिविंग थिंग, किन्हीं दो सजीव वस्तुओं के नाम लिखिए। तो सजीव वस्तुएं कौन कौन सी हैं? प्लांट्स आप अपनी बुक में राइट करिएगा, और सेकेंड एनिमल्स। नंबर सेकेंड पे है राइट द नेम्स ऑफ एनी टू नॉन लिविंग थिंग्स, किन्हीं दो निर्जीव वस्तुओं के नाम लिखिए, यानी कि जिसमें जान नहीं होता है। तो आप लिखेंगे चेयर, चेयर एंड बॉल। नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर, वुड एंड रॉक्स आर फाउंड इन नेचर। निर्जीव चीज़ें जो होती हैं, जैसे पानी, वाटर मीन्स पानी, वुड मीन्स होता है लकड़ी, रॉक्स मीन्स चट्टान। ये जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, पानी, लकड़ी और चट्टान आदि, प्रकृति में पाई जाती हैं। दीज आर नॉट मेड बाई मैन, ये आदमी द्वारा नहीं बनाए गए हैं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, इन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, यानी प्राकृतिक चीज़ें कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, माउंटेन्स यानी पर्वत, वुड मीन्स होता है लकड़ी, वाटर मीन्स पानी, ये जो हैं चीज़ें, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, यानी मनुष्य द्वारा नहीं बनाए गए हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज बॉल, बुक, ट्रेन, हाउस एंड क्लॉथ्स आर नॉट फाउंड इन नेचर, दीज आर मेड बाई मैन, दीज आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। यहाँ देखिए, बॉल मीन्स होता है गेंद, बुक मीन्स किताब, क्लॉथ्स मीन्स कपड़े, ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी। ये जो चीज़ें हैं, ये प्राकृतिक चीज़ें नहीं हैं, ये आदमियों द्वारा बनाए गए हैं, तो इसे हम मेड मैन कहते हैं। अब हमारा लेसन फिनिश हो गया है, अब हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आएंगे। क्वेश्चन ए है, टिक द करेक्ट आंसर। वन, आइडेंटिफाई द नॉन लिविंग थिंग्स, इनमें से आप नॉन लिविंग थिंग्स की पहचान करें, यानी निर्जीव वस्तु जो है उसको पहचानें। ए है बर्ड, बी ड्रैगन फ्लाई, सी बटरफ्लाई, डी पेन। तो इसमें आप पेन पे टिक करेंगे ऐसे, क्योंकि आपका पेन जो है नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव है। सेकेंड है, विच ऑफ दीज कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, इसमें से ऐसा कौन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, यानी हिलता डुलता है। ए, ये देखिए प्लांट्स, और बी टर्टॉइस, सी मशरूम है, और ये डी रॉक्स है। तो इसमें से ये जो कछुआ है वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, यानी मूव करता है, तो हम लोग बी पे टिक करेंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह को भरिए। पहला है उसमें, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डैश थिंग्स, इसमें आप लिविंग्स भरेंगे। लिविंग यानी कि सभी पेड़ पौधे और जानवर लिविंग थिंग्स हैं, सजीव चीज़ें हैं। सेकंड है, ए हैन इज ए डैश थिंग, इसमें भी आप लिविंग फील करेंगे। थर्ड है, नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड डैश थिंग, जो निर्जीव वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती हैं उन्हें हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं, इसमें आप नेचुरल फील करेंगे। फोर है, वाटर इज ए डैश थिंग, इसमें भी आप नेचुरल फील करेंगे।
क्योंकि पानी भी प्राकृतिक चीज है। पांचवा है नॉन लिविंग थिंग्स मेड बाय मैन आर कॉल्ड डैश थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तुएं जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं उन्हें हम मैन मेड कहते हैं। इसमें भी आप मैन मेड फील करें।